अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मौजू है वो ये कि कल एक FIR दर्ज हुई है, एक पत्रकार ने जो है दूसरे पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज किया है और वो मुंबई पुलिस स्टेशन में जो है उसके बारे में पूरी जांच चालू है। रह गया ये कि जो मुंबई के अंदर हम लोग जो पत्रकार लोग जो है ये इस तरीके की जो हरकत कर रहे, जो भी किया उनको पुलिस की तरफ से जो भी सजा है वो उनको मिलनी चाहिए और जो लेडीज जो पत्रकार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इस वजह से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, बाकी का अभी आप क्या बोलते बोलो। अहमद भाई, अक्सर देखा गया कि जब भी रफीक कामदार की बात आती है और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाया जाता है तो सबसे पहले एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप सामने उठ करके आते हैं और जो विक्टिम है जिसके साथ ये घटना घटी है उसका अभी तक कोई बयान नहीं आया, तो क्या कहेंगे सर आप इस पर? पहली बात तो ये कि जब वो सबका बयान लेता है, झूठी खबरें डालता है, तो आपको उस टाइम पे मालूम नहीं कि वो क्या हुआ क्या सही है। अभी कल की बात है, चांदनगर के अंदर जो हुआ मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, खाली माहौल को बिगाड़ने के लिए उस माहौल को क्रिएट किया गया, तो आपको भी मालूम है ना। बाद में पंचर वाले का भी बयान आया जी। तो ये जो झूठी खबरें डालने का, तो देखो बुरे काम का बुरा अंजाम है, उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मतलब FIR तो हो गई है, FIR की कॉपी भी सभी पत्रकारों के पास आ गई है, 376 टू पार्ट टू वगैरह जो लगा हुआ है। लेकिन मुमरा चौकी के जो सीनियर PI हैं अशोक कडलक साहब, उन्होंने इस पर जो है किसी भी तरह की कोई टिप्पणी देने से या किसी भी तरह का कोई बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। वो उनकी मर्जी, पुलिस का काम है वो देवे स्टेटमेंट या ना देवे वो उनकी मर्जी, बाकी हमारा जो काम है वो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। सर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, रफीक कामदार पे कई केस वो दर्ज हुए हैं, कभी केस उसके ऊपर रजिस्टर हुआ है, फिर भी पुलिस इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करती है, इस पर आप क्या कहोगे? इसके अंदर मुंबई के कुछ राजनेता है वो उसको बचाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि उनका पोल उनके हाथ में, उनका पोल उनके हाथ में, सब एक दूसरे के बंदिश में, वो हिसाब से वो बच जाता है। बाकी अभी मेरे ख्याल से अभी मुश्किल है बचे, पुलिस इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इंटरव्यू देने से मना कर रही है, इससे क्या साबित होता है कि क्या अभी भी पुलिस उसको अरेस्ट करेगी या अभी भी उसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, पुलिस करेगी ना अरेस्ट, पुलिस का काम है अरेस्ट करने का, बाकी का कोर्ट का है, कोर्ट क्या बोलती है फिर कोर्ट क्या अपनी। आप सबके लिए, आपके लिए, आपके पास जो भी फरियादी आता है आप उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, लेकिन हमेशा आपको ही बुरा ठहराया जाता है, आप इसके बारे में क्या पूरा खुलासा करोगे? जिस तरीके से बताया जाता है कि आप झूठी FIR करते हो, झूठी NC करवाते हो, ये कई बार हमने सुने हैं, तो आप इस पर पूरी क्या मैंने जो भी FIR कराया हूँ सही कराया हूँ, उसके अंदर एक आप भी है, आपके भी जो FIR थी क्या वो झूठी थी क्या? तो फिर वो बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं जी पत्रकारों के बीच में, तो जो पीड़िता है जिसके साथ घटना घटी है वो क्यों नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस? मेन कैसा है, एक लेडीज चाहते है, बच्ची है वो अपनी, उसको शो करना, उसके नाम को शो करना वो मेरा काम नहीं है। वो आप अगर इतना है तो वो पुलिस आपको पूरी जानकारी देंगी कैसा क्या क्या नहीं है। जैसे कि नाज मैडम एक सोशल वर्क चलाती है महिला सुकून संस्था का, तो नाज मैडम की तरफ से कोई आवाज उठी है अभी तक उनको लेकर? नहीं, ऐसी कोई भी आवाज नहीं उठी है, मुझे जानकारी मिली तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इस चीजों से दूर रहे, जो सही है वो बताओ, जो गलत है उसको बताओ ही मत। कौन सी धारा लगाई गई है उनके ऊपर? आपके पास में सब FIR कॉपी है ना, आप देख लो। नहीं तो अफवाह तो ऐसी हो रही है कि आपने वो पीड़िता को लेकर जाकर FIR कराई है? नहीं, वो मेरा काम नहीं है, ये सब काम मेरा नहीं हो, जिसको FIR कराने का वो जाके चौकी में कम्प्लेन कर सकता है, हर एक को अधिकार है, हक है ना। तो हर कोई भी मामला रहता है हम आवाज उठाते ना, उससे पहले धरने पे बैठे थे, ऐसा नहीं है खाली उसी के खिलाफ, वो कोई इतना वो नहीं है, दूध का धुलावा नहीं है,
बाकी जहाँ तक है हम आवाज उठाते रहते, हमेशा उठाते रहते। अहमद भाई, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, आखिर महिलाओं के साथ ही ये उनका मामला सामने क्यों आते रहता है, महिलाओं को लेकर ही? भैया आप लोग सब जानते हैं ना, आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किसी महिलाओं के मामले में फंसाना ज्यादा आसान है उनको, इसलिए टारगेट किया जाता है। अरे तुम लोग ऐसा बोले जैसे वो दूध का धुला हुआ है वो ना, जो है दौर था अहमद भाई, आप लोगों का मतलब पुराना रिकॉर्ड रहा है, कभी साथी रहे आप, कभी आपका नहीं आपके बीच में कभी खिलाफत रहे, हम ऐसा क्यों कि रफीक कामदार के मामले में सिर्फ अहमद देता ही नजर आता है? हम कभी साथी नहीं रहे, ऐसे लोगों के साथी नहीं, बल्कि हम तुम्हारे साथी रहे ज्यादा दिन रहे, उसके साथ में इतना दिन नहीं रहे। अभी जैसे अहमद भाई से पूछा गया कि आखिर वही क्यों रफीक कामदार के कोई भी मामले में नजर आते हैं, और उससे ये लगता है कि वो एकदम कहते हैं कि यही पीछे पड़े रहते रफीक कामदार के, इसका जवाब है? तो भाई ये आप लोग भी जानते हैं कि मुमरा में एक वाहिद जवाब देने वाला रफीक कामदार को अहमद लेता ही है, तो इसीलिए जो जितनी मुमरा में जितने भी अत्याचार रफीक कामदार करता है उसको अहमद नेता ही इंसाफ दिलाता है। अगर ये बंदी भी अगर हमारे पास में आती तो हम लोग पीछे नहीं हटते सामने आने के, लेकिन ये बंदी हमारे पास में आई नहीं। और रही बात जो औरतों को कई मामला लेके जो रफीक कामदार के पास बार बार आ रहा है, तो एड़ा बनाने के लिए औरतों को रफीक कामदार माहिर है, ये पूरा मुमरा कोसा जानता है। दुखती है दुख भरी औरतों को घर में ला लेता है, घर में रखता है, फिर उनके साथ में अत्याचार करता है, फिर वो औरतें तंग आके फिर इसको चौकी का दरवाजा दिखाती है। ये आज नहीं कई बार हुआ है, जो उसके घर में जो ताहिरा थी, फिर बाद में फिर हमारी सबिया मैडम थी और रिजवाना थी, तो सब आप लोग जानते हैं उसके बारे में, वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जो आप लोग उसकी इतनी सिफारिश कर रहे हैं और एक पत्रकार लेडीज के ऊपर अत्याचार हुआ है, मैं चाहती हूँ कि उसको इंसाफ दिलाओ, आप लोग सभी मिलके दिलाओ। मैडम एक सवाल और है जी, जो आप आरोप लगा रही है वो मैडम, वो महिला पत्रकार अक्सर उसके गाड़ियों के पीछे बैठ कर मार्केट में देखा गया जी, इसके ऊपर आप क्या बोल रही है? तो उसको उसके साथ में रहती थी वो, ये हादसा एक बार पहली बार नहीं है, ऐसा बोलने जाओ तो ये मैडम भी उनके साथ में उनका चैनल चलाती थी, लेकिन उसके जो कारनामे है वो आप लोग जानते हैं। कोई साथ में आ जाए गाड़ी पे बैठ जावे तो क्या तुम उसके साथ में अत्याचार करते रहेंगे? इतना हक अधिकार आपको दिया गया है क्या औरतों पे जुलम करने का? तो उसका आज भुगतान वो भर रहा है, वो 5 FIR में लिखा हुआ है कि 5 महीने से उनके साथ में ये हरकतें हो रही थी, तो पहले उन्होंने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया, पहले क्यों नहीं पहुंचे वो? जैसे आपने कहा कि आपको भी वो बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप तक आ सकते थे? नहीं, ये उनकी मर्जी, वो नहीं आए और उन्होंने पुलिस को सब बताए, पहले भी बताए, उनको पुलिस को मालूम है ना सब चीजें, मतलब ये तो बात चलती थी और ये बात तो चलती रहेंगी कि कुछ हुआ मुमरा में अगर गिलास भी टूटा तो बोले अहमद नेता की वजह से टूटा, अहमद नेता ने किया, ये तो मुमरा में चलते आ रहा भाई, तो ये सब चीजों से हम लोग को डरने लगता। उस FIR में दूसरा नाम भी दाखिल किया गया है साइड चेक का, उसमें उनका क्या रोल है उस FIR में? उसके अंदर कुछ धमकी वगैरह दिए होंगे, बहुत सी बातें है उसके अंदर, वो आप FIR कॉपी पढ़ेंगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएंगी ना। कॉपी है जो आप लोगों के पास भी मौजूद है और धमकी दिया गया है, वो जो भी है वो आप लोग जानकारी निकालो ना, जैसा पुलिस अपना काम कर रही है आप लोग भी एक महिला को हक अधिकार दिलाओ।